हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर वेल। लेट्स स्टार्ट द सब्जेक्ट मैथ्स ऑफ स्टैंडर्ड 6, पेज नंबर 147। हियर वी लर्न अबाउट द लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय लाइक फ्रैक्शन डियर स्टूडेंट्स? सो फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, जिसके डिनोमिनेटर यानी जो नीचे का नंबर का पार्ट है वो अगर सेम होगा तो उसको कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे दिया है 1/15, 2/15, 3/15, 8/15, सबके डिनोमिनेटर सेम है, सो दैट इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। एंड अनलाइक फ्रैक्शन दैट मीन्स द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, उसको हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 1/2, 5/6, 3/9, 2/10, सबके डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो उसको हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट वन दैट इज पेज नंबर 150। ओके, यहाँ पे जो हाईलाइट किया हुआ है वो, इफ द न्यूमरेटर इज सेम इन टू फ्रैक्शन, डियर स्टूडेंट अगर न्यूमरेटर ऊपर का नंबर अगर सेम है, द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर ऑफ द टू। ओके, तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होगा उसको हम ग्रेटर नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमें कंपैरिजन करना है 1/8 एंड 1/10। 1/8 यहाँ पे दिया है एग्जांपल, वो फर्स्ट वन, 1/8 एंड 1/10, फिर कोमा है, तो दोनों के न्यूमरेटर ऊपर के नंबर सेम है 1, 1, तो दोनों में से कौन सा जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, वो नंबर ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है 1/8 इज ग्रेटर देन 1/10। एज द सेम वे 3/5 एंड 3/7, दोनों के न्यूमरेटर सेम है। ओके, तो अगेन डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, सो 3/5 इज ग्रेटर देन 3/7। नेक्स्ट वन 4/9 एंड 4/11, अगेन न्यूमरेटर ऊपर का नंबर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर यानी नीचे का नंबर छोटा है, 9 एंड 11 में से 9 छोटा है, सो 4/9 इज ग्रेटर देन 4/11। नेक्स्ट वन एक्सरसाइज 7.4, फर्स्ट वन है राइट द सेडेड पोर्शन एज अ फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल्स टू बिटवीन द फ्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट वन ए है, उसमें सेडेड पोर्शन कितना है 3, डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्ट, सो 3/8, सेकेंड में हो जाएगा 6/8, थर्ड में 4/8 एंड लास्ट वन में 1/8। अब डियर स्टूडेंट सबके डिनोमिनेटर सेम है नीचे का पोर्शन। ओके, अब उससे रिवर्स कर रहे हैं, याद रखना जब भी डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा एंड जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो छोटा। कभी जब डिनोमिनेटर सेम है, इससे पहले हमने रूल पढ़ा वो न्यूमरेटर यानी ऊपर का नंबर अगर सेम है तो उसके लिए रूल हमने देखा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जिसका डिनोमिनेटर यानी नीचे का नंबर सेम है तो क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर यानी ऊपर का नंबर जो छोटा है वो छोटा और बड़ा है वो बड़ा। तो यहाँ पे हमें 4 मिला, फ्रैक्शन मिला 3/8, 6/8, 4/8 एंड 1/8, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा होगा 1/8, उसके बाद बड़ा होगा 3/8, देन आफ्टर उससे बड़ा 6/8 एंड उससे बड़ा 4/8। तो ये साइन आपको यूज़ करनी है, हमने ऑलरेडी साइन कैसे यूज़ करते ग्रेटर देन लेस देन वो हमने देखा है, जो बड़ा नंबर है उसके साइड दो साइड आएगी, फॉर एग्जांपल वो इस तरह से दिखता है जिसे उसका फेस है ओपन मूव करते वो बड़े नंबर के साइड आएगा। नेक्स्ट वन उसी तरह है 8/9 फर्स्ट का फ्रैक्शन, सेकंड में 4/9, 3/9 एंड 6/9, अगेन डिनोमिनेटर 9/9 सेम है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा 3/9, उससे बड़ा 4/9, उससे बड़ा 6/9 एंड उससे बड़ा 8/9। तो इस तरह से आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में साइन को यूज़ करके आपको लिखना है। नेक्स्ट वन पेज नंबर 153, उसमें सी, सो 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन द नंबर लाइन एंड पुट अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन गिवन। तो नंबर लाइन पे हम कैसे लिखते हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो वो आपको करना है, एंड यहाँ पे साइन कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। चलो फर्स्ट वन है 5/6 एंड 2/6, तो डियर स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर यानी नीचे का नंबर सेम है, तो क्या होगा,
जिसका ऊपर का न्यूमरेटर का नंबर बड़ा है वो बड़ा होगा, तो यहाँ पे 5/6 ग्रेटर होगा। सेकंड वन है 3/6 एंड 0, ओके तो 0 है एंड दूसरी साइड 3/6 है, तो ऑब्वियसली 3/6 से वो बड़ा होगा, दूसरी साइड तो 0 है। नेक्स्ट 1/6 एंड 6/6, डिनोमिनेटर सेम है 6/6, तो न्यूमरेटर में जो बड़ा है वो बड़ा होगा, तो 6/6 ग्रेटर। नेक्स्ट 8/6, 5/6, ऑब्वियसली 8/6 ग्रेटर। नेक्स्ट कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट द अप्रोप्रिएट साइन। अगेन फर्स्ट ऐसा है, सेकंड देखो वो अभी तक हमने किया उससे थोड़ा डिफरेंट है। 1/7 एंड 1/4, डियर स्टूडेंट यहाँ पे यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है, ओके सॉरी न्यूमरेटर सेम है, ऊपर के नंबर सेम है, तो हमने क्या रूल देखा, जब भी न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जो छोटा है वो बड़ा नंबर हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर यानी नीचे का नंबर 4 छोटा है तो 1/4 इज ग्रेटर, ओके सी डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर बड़ा है वो डी में न्यूमरेटर ऊपर का नंबर बड़ा है तो डिनोमिनेटर जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, सो 3/5। थर्ड क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स आपको आपकी तरह इस तरह के नंबर की पेयर बना के प्रैक्टिस करनी है। फोर्थ क्वेश्चन, लुक एट द फिगर एंड राइट ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल साइन बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे मैंने साइन किया है, सब में डिनोमिनेटर सेम है, ओके उस तरह से, एंड देन आफ्टर ओके उसके नीचे भी जो क्वेश्चन है वो भी हमने रूल पढ़े उसी के हिसाब से है। उसमें डियर स्टूडेंट बी देखो, बी क्वेश्चन फोर्थ में सबसे नीचे जो ए बी सी डी दिया उसमें बी, डियर स्टूडेंट इसमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई सेम नहीं है, ओके 3/4 एंड 2/6 है, तो ऐसे टाइप के फ्रैक्शन आते हैं तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन है 3/4 उसका 3 एंड सेकंड का जो 2/6 है उसका 6, क्रॉस में हो जाएगा 3 6 18, तो मैंने 3 के ऊपर 18 लिखा है वो पोर्शन के लिए, एंड दूसरी साइड क्रॉस में हो जाएगा 2 एंड 4, 2 4 जा 8, तो मैंने 2 के ऊपर 8 लिखा है, 18 एंड 8 मिला, दोनों में से कौन सा ग्रेटर नंबर, 18, तो 3/4 इज ग्रेटर, ओके। अगेन रिपीट करता हूँ, जब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कुछ भी सेम नहीं है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ मैंने किया 3 एंड 6 का एंड 2 एंड 4 का, फिर जो नंबर बड़ा मिले वो हमारा ग्रेटर नंबर। D1 दैट इज 6/6 एंड 3/3, ओके तो दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, सो 6/6 दैट मीन्स 1 एंड 3/3 दैट मीन्स ऑल्सो 1, बिकॉज वेन वी डिवाइड 6 डिवाइड बाय 6, सो 6 वन जा 6 एंड 3/3 सो दैट इज ऑल्सो 1, सो दोनों सेम है सो द साइन इज इक्वल, ओके एंड देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ क्विकली कैन यू डू दीज फिल अप्रोप्रिएट साइन, ओके तो हियर वी हैव टू यूज द रूल्स ऑफ द नंबर ऑफ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इफ सेम वी हैव टू यूज द रूल अकॉर्डिंग टू दैट, एंड इफ नो वन इज इक्वल देन वी हैव टू डू दी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ओके अगर न्यूमरेटर सेम है तो उसका रूल फॉलो करेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसका रूल फॉलो करेंगे, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में से कोई सेम नहीं है तो उस टाइम पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इस टाइप के सम सॉल्व करेंगे, ओके थैंक यू।